हे गाइस, वेलकम टू HS टेक जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर MIUI 10 के ग्लोबल बीटा रोम 9.1.17 के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो यहाँ पर MIUI 10 का ग्लोबल बीटा रोम आने वाला नेक्स्ट, जिसका नाम होगा 9.1.17, ठीक है। तो इसके बारे में जो चेंज लॉग प्रीव्यू है, आप सभी जानते हैं बुधवार को आया था, तो वो आ चुका। तो ये आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ ही बताऊंगा कि आपको क्या खास देखने को मिलने वाला इस अपडेट में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी Xiaomi का डिवाइस है और आप यूज करते हैं यहाँ पर अपने डिवाइस में MIUI 10 का ग्लोबल बीटा रोम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब पास वाले बेल का आइकन आएगा तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो ग्लोबल बीटा रोम है इस वक्त सस्पेंड हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सारे यहाँ पर ये एक चेंज लॉग निकल कर आया है। ये बता रहे हैं कि कोई सा भी यहाँ पर पोस्ट मत कीजिए जो स्नीक पीक वाले है, ठीक है, स्नीक पीक वाले होते हैं जो, तो वो उन्होंने बताया कि साथ ही जो चेंज लॉग वगैरह की ये पब्लिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बार पब्लिश किया है उसके बाद में हटा लिया गया। लेकिन मुझे यहाँ पर ढूंढने वूंढने से मिल गया एक जगह पर, तो एक भाई ने यहाँ पर अपलोड किया हुआ था और मैंने चेक किया जो ऑफिशियल वाला था, तो वो पहले मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते थे एक लड़के ने लेकर, तो मैं यहाँ पर उसे मिला चुका हूँ। तो ये तो यही वाला जो यहाँ पर बताया गया जो आने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा इस वाले अपडेट में। तो दोस्तों, इस वाले अपडेट में आपको सबसे पहले जो चेंज देखने मिलेगा सिक्योरिटी ऐप में, तो सिक्योरिटी ऐप में लिखा हो फिक्स्ड सिक्योरिटी एप्लीकेशन इज ऑलवेज शोइंग नोटिफिकेशन पोको F1 में। दोस्तों, अगर आपके पास पोको F1 है और आप यूज करते हैं यहाँ पर MIUI 10 के ग्लोबल बीटा रोम, तो जो सिक्योरिटी की एप्लीकेशन है ना, वो आपके हर टाइम जो नोटिफिकेशन शो कर रही थी तो फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ पर जो आपके नोटिफिकेशन वगैरह शो नहीं करेगी, लगातार जब जरूरत होगी तभी करेगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स के। नेक्स्ट फिक्स लिखा हुआ है लोकलाइजेशन में हुआ है, तो यहाँ पर लिखा फिक्स्ड द सेकंड ऑप्शन ट्रांसलेट एरर इन टू टर्की इन द बैटरी और परफॉर्मेंस, जाने कि अगर आप टर्की लैंग्वेज यूज करते हैं, टर्किश लैंग्वेज यूज करते हैं सभी के सभी डिवाइसों में, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन था ना उसमें ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था, तो फिक्स कर देगा। ये इंडिया के किसी काम का नहीं है वैसे भी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की। तो नेक्स्ट फिक्स लिखा हुआ है फिक्स्ड वेदर इन्फो डिस्प्ले एरर इन सम लैंग्वेज, जाने कि जो वेदर इन्फो होती है ना, तो वो यहाँ पर जो एरर दिखा रही थी कुछ लैंग्वेज में, जैसे कि आप हिंदी में यूज कर रहे हैं, जैसे पंजाबी में यूज कर रहे हैं आप, जैसे कन्नड़ में, तमिल में, किसी अन्य लैंग्वेज में अगर आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो वेदर की इन्फो थी ना, वो यहाँ पर ढंग से एरर आ रहा था उसमें, तो वो फिक्स कर दिया जाएगा इस बार इस वाली अपडेट में। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की। तो लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन एरर इन पोलिश, जाने कि अगर आप पोलिश लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसमें जो एरर आ रहा था, तो वो फिक्स कर दिया गया है इस वाली अपडेट में। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की, जो मेन है अदर, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वॉलपेपर क्रोजल डजेंट वर्क, तो यहाँ पर जो क्राउजल था ना, जो वॉलपेपर का क्राउजल था वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, तो वो फिक्स कर देगा सभी के सभी डिवाइसों में। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये आपको 17 तारीख को मिल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर Xiaomi वाले आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये बहुत लेट जो अपडेट वगैरह दे रहे हैं, जो जहाँ पर जो पिछले वाले अपडेट है वो तो अभी तक आई भी नहीं है बहुत सारी डिवाइसों के लिए। तो ये दोस्तों हो सकता है कि आपको 17 के जगह 18 या 19 या 20 तारीख तक ही मिले अगर, लेकिन हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसों के लिए लगातार सस्पेंड होती हुई आ रही है, शायद आपको इस बार अपडेट देखने मिल जाए। मैं तो ये कहूँगा कि अपडेट दे दिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस, जैसे Redmi 5 हो गया, Redmi 5 Plus हो गया, तो उनके लिए बहुत सारी जो अपडेट लगातार सस्पेंड होती हुई आ रही है, और Redmi Note 5 वगैरह के लिए। तो शायद देखते हैं इस बार आपको अपडेट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों अगर ये अपडेट आ जाएगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि ये अपडेट इन लोगों के लिए आ चुका है और यहाँ पर सस्पेंड हो चुका है। साथ ही मैं यहाँ पर डाउनलोड लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बस दोस्तों, फिलहाल तो आज की वीडियो में यही थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो साथ में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।